लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अब दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों तक कांग्रेस की उपलब्धियों और अपने वादों को पहुंचा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर 195 नामों की पहली सूची जारी कर चुकी है। देखिए, राजस्थान में 15 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसमें से एक सीट ऐसी है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, वह सीट है बांसवाड़ा की, क्योंकि यहां पर बागीदौरा से कांग्रेस के विधायक रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी ने इनाम स्वरूप ने बांसवाड़ा से सांसद का अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में राहुल गांधी की बांसवाड़ा यात्रा को लेकर, जो भारत जोड़ो यात्रा को है, उसको लेकर क्या लोकसभा चुनावी समीकरण रहेंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांसवाड़ा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आने पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी आदित्य आत्रे के साथ। आदित्य, लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, राहुल गांधी की बांसवाड़ा यात्रा को लेकर क्या चुनावी समीकरण निकलते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा झटका है वो कांग्रेस को लग चुका है। महेंद्रजीत मालवीय, हालांकि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसका प्रोग्राम तय था कि राजस्थान में धौलपुर और बांसवाड़ा के अंदर वो आएगी, लेकिन शायद कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके एक पार्टी के प्रमुख ऐसे नेता महेंद्रजीत मालवीय, जो पिछले 2 या 3 बार से लगातार वहां विधायक है और उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ उस क्षेत्र के अंदर है, तो वो कांग्रेस का दामन अचानक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसकी उम्मीद शायद लगाई नहीं जा रही थी, क्योंकि हाल ही में करीब 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनको प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने और वहां से सीट निकालकर उन्होंने दी थी। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह का मामला सामने आया है तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब देखिए, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। सबसे पहली चीज है कि अब ऐसा कौन सा व्यक्ति वहां से हो सकता है जो एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर कांग्रेस का होगा। सीधी सी बात है कि अगर महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनको सांसद का चुनाव वहां से लड़ाया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत उनके सामने कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जिसे वो मैदान में उतारेंगे। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी वहां पर मौजूद नहीं है तो क्या फिर वो वहां पर जो आदिवासी बेल्ट है, भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है बाप, उनके जो राजकुमार रोत वहां से विधायक है, क्या उनसे गठबंधन करेंगे? देखिए ये सवाल आदित्य सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी में जाना, उसके बाद से ही राजकुमार रोत का नाम काफी चर्चाओं में है कि कांग्रेस वहां से बीटीपी से जो गठबंधन करके, जो बाप पार्टी है उससे गठबंधन करके राजकुमार रोत को मालवीय के सामने खड़ा कर सकती है। ये लगातार कयास है, वह जोर पकड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल मुझे लगता नहीं, क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार महेंद्रजीत मालवीय अगर वहां विधायक रहे हैं तो कोई बड़ा नेता कांग्रेस का वहां से निकल नहीं पाया। हालांकि अर्जुन बामनिया एक ऐसा नाम हो सकता है वहां से जिनको वो कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। देखिए, मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये तय किया जाएगा कि हम गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। गठबंधन सिर्फ भारतीय ट्राइबल पार्टी से ही नहीं, उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि नागौर में जो हिमसर है, हनुमान बेनीवाल है, उनसे भी शायद यहाँ पर गठबंधन हो सकता है। लगातार बातचीत चल रही है, इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि अगर गठबंधन होता है तो फिर समीकरण दूसरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात आपने हनुमान बेनीवाल की है नागौर की सीट से। नागौर पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्योति मिर्धा ने जब भाजपा ज्वाइन की थी उस समय हनुमान बेनीवाल का बयान काफी चर्चाओं में रहा था। यहाँ बात बांसवाड़ा और नागौर सीट की, क्योंकि जो नागौर सीट पर 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हुए वहां से चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की थी। अब ज्योति मिर्धा के सामने क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतार सकते? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह से कहा कि फिलहाल मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत को लेकर एक कमेटी बनाई गई है या बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया था कि
हम गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये कमेटी तय करेगी। लेकिन नागौर में भी पिछले कुछ सालों से जैसे ही जैसे कि आपने बताया कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ उन्होंने वहां पर गठबंधन किया, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो वो गठबंधन हनुमान बेनीवाल ने तोड़ दिया। तो ऐसे में एक सीट पूरी तरीके से बीजेपी की वहां से खाली हो गई। तो ऐसे में 2019 के बाद कोई ऐसा बड़ा चेहरा उनको नजर भी नहीं आ रहा था बीजेपी को, तो आखिर में जो ज्योति मिर्धा है उनको पार्टी में वहां पर लाया गया। साफ तौर पे बात थी कि वो अगर वहां से आती हैं तो एक बड़ा चेहरा है ज्योति मिर्धा, मिर्धा परिवार का एक वर्चस्व नागौर के क्षेत्र में हमेशा से रहा है, तो हो सकता है कि वो जो हनुमान बेनीवाल है उसको उनको उनकी पार्टी को वो वहां पर टक्कर दे सकती है। देखिए हनुमान बेनीवाल के लिए भी विधानसभा चुनाव कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, वो जीते अपनी सीट से जीते लेकिन काफी संघर्ष उनको करना पड़ा, कोई बड़ा मार्जिन 1500 या 2000 के बीच का जो मार्जिन था वो उनका था। तो ऐसे में क्या ये मान सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती जा रही है, तो इसका फायदा बीजेपी यहाँ पर उठाना चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहेगी कि जो हनुमान बेनीवाल है उनको कैसे ना कैसे करके पार्टी गठबंधन के अंदर शामिल किया जाए। इंडिया गठबंधन की बात लगातार कांग्रेस यहाँ कर रही है, सचिन पायलट के बयान में भी हमने कई बार सुना कि पार्टी मजबूत, मतलब जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है, हालांकि टीएमसी ने उनका दामन छोड़ दिया, नीतीश कुमार अब कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया, तो वो बिहार और बंगाल में उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, उत्तर प्रदेश पर उनकी निगाह है, लेकिन राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है जिसका जिक्र आपने अभी कुछ देर पहले किया कि जो मणिपुर से उन्होंने जो यात्रा की थी वो मुंबई में खत्म होने वाली है, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक को नापना चाहते हैं और लगभग लगभग कुछ दिनों बाद ये जो यात्रा है वो खत्म भी हो जाएगी। तो ऐसे में अब किस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर वापसी की जाए, क्योंकि आप 3 स्टेट पहले ही हार चुके हैं, मध्य प्रदेश काफी चुनौतियां हैं देखिए कांग्रेस के सामने। यहाँ बात कर रहे थे हम बांसवाड़ा, महेंद्र जीत सिंह मालवीय जिन्होंने ये कहा था कि मरते दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा, अशोक गहलोत का साथ नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने जैसे ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और उन्होंने पलटी मारी और सीधा बीजेपी का हाथ थाम लिया। उन्होंने बांसवाड़ा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा 2014 में मोदी लहर जो शुरू हुई थी, लगभग 10 साल का समय हो गया है, वो मोदी लहर अभी भी चल रही है। 2014 और 2019 में 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर कब्जा किया था। हालांकि 2019 और 2014 की बात की जाए तो नागौर में हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से बहुमत की बात की जा रही है, लेकिन वो नागौर की सीट दोनों ही बार गठबंधन की रही थी। लेकिन बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा एक हॉट नाम है राहुल गांधी की, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस न्याय यात्रा में जो निशाना है वो इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर रहेगा, क्योंकि जब यात्रा का कार्यक्रम डिसाइड हुआ था उस समय कांग्रेस को उम्मीद थी कि बांसवाड़ा के कद्दावर नेता यानी बागई दौरा, हालांकि उनकी सीट है लेकिन बांसवाड़ा में उनका एक छत्र राज है, तो वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांसवाड़ा में जब यात्रा पहुंची या पहले जो कार्यक्रम डिसाइड था तो उनको लगता था कि हमारा एक मजबूत प्रत्याशी पहले से ही वहां मौजूद है, तो यात्रा को यहाँ रेस्पॉन्स मिलेगा। अब देखना होगा कि अब जो सभा होगी कुछ ही देर में, जो बांसवाड़ा के अंदर सभा होने वाली है उसके अंदर कितने लोग वहां पहुंचते हैं। हालांकि देखिए कितने लोग पहुंचे, बांसवाड़ा की सभा काफी मायने रखती है। बात करेंगे दिग्गजों का, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा, इनके साथ ही कई दिग्गज बांसवाड़ा में राहुल गांधी के लिए वहां मौजूद है। क्या बांसवाड़ा में बीजेपी को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखा रही है कांग्रेस कि बांसवाड़ा के हमारे प्रत्याशी को आपने ले लिया लेकिन हम यहाँ कमजोर नहीं है? बिल्कुल, ये कोशिश पूरी पूरी होगी कांग्रेस की यहाँ पर कि भले ही पार्टी से उनका नेता चला गया हो बीजेपी के अंदर लेकिन अभी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। लेकिन देखना ये होगा जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो लोग चेहरे को वोट करते हैं, मोदी को वोट करते हैं, या फिर जो आज यात्रा पहुंची है उसका असर कितना ये डाल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपने जिस तरह से कहा कि जो दिग्गज है तमाम दिग्गज वहां मौजूद है, लेकिन एक कयास ये भी चल रहा है कि क्या ऐसे जो मजबूत प्रत्याशी जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता बीजेपी कांग्रेस की ओर से और कुछ ऐसे नेता थे जो हार भी गए, तो क्या उनको एक बार फिर से मैदान में लोकसभा में लाया जा सकता है? क्योंकि बांसवाड़ा में आप कोई मजबूत कैंडिडेट उनके पास है नहीं, तो एक गठबंधन पहला
उनके पास ऑप्शन होता है कांग्रेस के पास कि आप गठबंधन कीजिए और उसके बाद आप चुनाव मैदान में उतरिए। दूसरा होता है कि एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी आप तलाश कीजिए, क्योंकि उदयपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर एक ही सीट है, लोकसभा सीट, तो ऐसे में दोनों जगह से एक ऑप्शन हो सकता है कि एक ऐसा मजबूत नेता लाया जाए। मैंने अर्जुन मामणिया की जिस तरह से यहाँ पर चर्चा की कि उनको एक बार उनको मैदान में उतारा जा सकता है, तो ये कई तरह के जो उथल पुथल है कांग्रेस के मन में जरूर चल रही होगी कि जिस तरह आपने कहा कि एक जवाब है, एक शक्ति प्रदर्शन है, तो बिल्कुल ये भी जनता को दिखाना पड़ेगा कि भले ही एक नेता कांग्रेस छोड़ के चला गया हो लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। तो मजबूत करने का प्रयास राहुल गांधी और तमाम ऐसे बड़े नेता, अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि जिनको भी जाना है जल्दी चले जाइए, उसके क्या मायने? बिल्कुल कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा। कमलनाथ को लेकर भी एमपी में काफी चर्चाएं चल रही थी कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। हम जयपुर की ही बात करें तो लालचंद कटारिया जो नाम है काफी ऊपर चल रहा था, राजेंद्र यादव, इस तरह के कुछ बड़े नाम थे जो लगातार चल रहे थे और माना जा रहा था कि मालवीय के साथ साथ वो भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जो रिपोर्ट है आलाकमान तक पहुंचती है, ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अशोक गहलोत के पास निश्चित तौर पे होगी, तभी उन्होंने ये इस तरह का बयान दिया है। बिल्कुल, अशोक गहलोत जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, देखिए बांसवाड़ा में राहुल गांधी की यात्रा के कई मायने निकलते हैं। बांसवाड़ा से बागी दौरा के जो विधायक थे कांग्रेस के, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी में शामिल होना, बांसवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी की, कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस मालवीय पर दाव खेल सकती थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा चेहरा तलाशना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से लगने से ठीक पहले राहुल गांधी का बांसवाड़ा आना, कांग्रेस का बांसवाड़ा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना, इसके साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हुए कांग्रेस क्या कोई बड़ा दाव खेल सकती है, ये तमाम सवाल है। मैं ललित एक चीज और आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही है, 195 नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, पहली लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट का भी इंतजार है। इंडिया गठबंधन की बात लगातार हो रही है, तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने 195 नामों की लिस्ट की घोषणा की उसके तुरंत बाद कांग्रेस की लिस्ट आ जानी चाहिए थी। मन में कयास कई तरह के लोगों के बीच में चल रहे हैं, इंतजार कर रही है कि जिसको भी अभी जाना है वो एक बार चले जाइए आचार संहिता तक, अब शायद ये हो सकता है। लेकिन जितनी देर कांग्रेस करेगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भी कि लिस्टें 6-6, 7-7 लिस्टें आखिर तक निकाली जा रही थी, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को यहाँ पर जरूर बिल्कुल पार्टी को देखने को मिला था। लिस्टें बहुत ज्यादा उसमें आई थी 6-7 में, इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में नुकसान भी झेलना पड़ा था। ये तमाम जो विषय है ये चर्चा के विषय है। राजस्थान की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करती है। पिछले दो चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में, चाहे 2014 का हो 2019 का हो, उसमें कांग्रेस की लगातार हार के मिथक को तोड़ने के लिए कांग्रेस क्या करती है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्द जनता के सामने होंगे। ऐसी ही लोकसभा की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।